हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, चाहे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक कार्गो वेसल सर्विस है, मालवाहक जहाज जो पानी के माध्यम से पहली बार पटना से गुवाहाटी पहुंचा है। अभी तक आपने मालवाहक जहाज के बारे में सुना होगा जो समुद्र में चलते हैं, जिन्हें समुद्री जहाज कहा जाता है। वर्ल्ड का जितना भी ग्लोबल ट्रेड है वो कार्गो वेसल जो होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स रख करके लाए जाते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। मैक्सिमम ट्रेड जो है वो सी रूट से किया जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इकोनॉमिकली वाइबल होता है। लेकिन अब पटना से गुवाहाटी एक कार्गो वेसल सर्विस जो है वो शुरू की गई है। अगर आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि सर, पटना से गुवाहाटी में कौन सा ऐसा समुद्र आता है जहां से ये वेसल होकर के गुजरेगा। ये समुद्र नहीं, दरअसल इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से पटना से गुवाहाटी जो है वो पहुंचा। इनलैंड वाटरवे क्या, जिस तरीके से समुद्र के अंदर इस तरीके के बड़े वेसल चलते हैं, उसी की तर्ज पर अब जो हमारी देश की प्रमुख नदियां हैं वहां पर हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज की तरह वाटरवेज तैयार किए जा रहे हैं। लंबे समय से इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था, तो उस पूरे के पूरे वाटरवे सिस्टम में अब इनलैंड वाटरवे जिसे कहा जाता है, देश की नदियों के माध्यम से बिग साइज बोट्स जो हैं उनमें कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके तहत पहली बार पटना से गुवाहाटी एक कार्गो वेसल सामान लेकर के पहुंचा है। इस विषय पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप चाहे यूपीएससी हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, जुडिशरी हो, इन सभी की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, इस कोड SHUBH33 का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट्स जो हैं वो सभी कोर्सेज पे मिल जाएंगे, यानी कि हर एक कोर्स पे आपको 33% तक के डिस्काउंट्स मिलेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपसे बात करी कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने हरी झंडी दिखा करके एक इनलैंड वाटरवे वेसल, इनलैंड यानी कि मेनलैंड के बीच में पानी के मार्ग से, जल मार्ग से एक कार्गो पोत को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस पोत का नाम है MV लाल बहादुर शास्त्री। बिहार के पटना से ये असम के गुवाहाटी तक जाएगा। एक पहली अपनी मेड इन जर्नी जो है वो इनलैंड वाटरवेज यानी कि नदियों के माध्यम से अब कार्गो शिपिंग जो है वो की जाएगी। द फर्स्ट फूड ग्रेन मूवमेंट थ्रू एन इंटीग्रेटेड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। विस्तार से इस लेक्चर में हम इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से होकर के ये वेसल जो है ये जाएगा बांग्लादेश के माध्यम थ्रू, बांग्लादेश से होकर के गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों को क्रॉस करता हुआ, गंगा नदी को क्रॉस करता हुआ ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश पहुंचेगा। वहां से फिर ब्रह्मपुत्रा नदी में होते हुए ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी असम तक पहुंचेगा। तो ये पूरा का पूरा वेसल का रूट होगा। मैप के माध्यम से इसको समझेंगे, यानी कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और कॉस्ट एफिशियंट मेथड माना जाता है समुद्र मार्ग से सामान को ले जाने का, क्योंकि सबसे कम प्राइस इसमें आता है। एक वेसल जो है वो बहुत सारा कार्गो ले जा सकता है, जिस वजह से कॉस्ट जो है वो डिवाइड हो जाती है और अल्टीमेटली ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमारी इनपुट कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इस वजह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लोबली ट्रेड जो है वो सी रूट से होता है, और अब इसी चीज को रेप्लीकेट किया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज के तहत। तो पटना से ये MV लाल बहादुर शास्त्री वेसल जो है इसको रवाना किया गया। ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, ये समुद्र नहीं बल्कि ये गंगा नदी है। पटना में गंगा नदी से होकर के ये गुवाहाटी तक पहुंचेगा। टोटल 25 दिन की जर्नी है, 2350 किलोमीटर का सफर जो है वो एक दिन में तय करेगा, और 25 दिन की जर्नी के बाद ये असम के पांडू गुवाहाटी के पास पहुंचेगा, जहां पर ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। ये अपनी जर्नी में काफी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जो गंगा या ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे आते हैं। इसमें भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज झारखंड में, फारक्का, त्रिबेनी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर इन वेस्ट बंगाल, एंड देन दुबरी एंड
जागी घोपा इन असम। तो ये दुबरी जागी घोपा जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के किनारे है, जबकि हल्दिया, साहिबगंज, भागलपुर ये सब गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। जहां जहां से गंगा नदी होकर के गुजरती है वहां से ये वेसल अपने रास्ता जो है वो तय करेगा। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो ये रूट है, अगर रोड के रोड मार्ग से जाएं तो ये पूरा का पूरा सफर है, लेकिन हवाई मार्ग से भी इस पे ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन अब रोड मार्ग से या हवाई मार्ग से या रेल के मार्ग से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि काफी बड़े वेट के कार्गो है, बहुत बड़े साइज का कार्गो है, तो इसको रोड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने में शायद बहुत सारे ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी। रेलवे में सेम प्रॉब्लम है, एयर फेयर इसका बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से हमने एक अल्टरनेटिव रूट ढूंढा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ब्लू कलर में हमको नजर आ रही है ये दरअसल गंगा नदी है। इसके लिए जो रूट अपनाया जा रहा है वो क्या है, यहां से गंगा नदी के साथ साथ में बांग्लादेश तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद बांग्लादेश से होकर के इस वाटर बॉडी के थ्रू ब्रह्मपुत्रा रिवर को कनेक्ट किया जाएगा जो असम पांडु के अंदर गुवाहाटी के पास पहुंचेगा। तो ये जो वाटर वे है अब इसको एज अ मीडियम बना करके ये पूरा का पूरा सफर जो है वो तय किया जाएगा। इसको पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक वेसल जो है वो इनलैंड वाटरवेज की मदद से भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लेकर के जा रहा था। द वॉटर वे विल कट अक्रॉस द लैंड लॉक्ड एक्सेस विच हैज बीन क्रिपलिंग द डेवलपमेंट इन द रीजन फॉर लॉन्ग। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, ये पूरा का पूरा हमारा इलाका जो है वो लैंड लॉक्ड रहा है और इस वजह से यहां पर वो ट्रेड कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी जो कोस्टल एरियाज में थी। अब जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोडक्ट पश्चिम बंगाल के अंदर मिलता है और वो सी रूट के माध्यम से यहां पहुंचता है तो उसकी कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू द वेरी सेम प्रोडक्ट इफ सोल्ड इन गुवाहाटी और इन एनी अदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके पीछे का कारण क्या था कि यहां पर एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट था। आप सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन नेक कहा जाता है वो एक एकमात्र रास्ता है, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव हमारे पास है जो कि वाटर वे है, समुद्र नहीं है, इनलैंड वाटरवे है, नदियों की मदद से सफर किया जा रहा है। तो इससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ट्रेड में बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वाटरवे जो है वो ना ही केवल ज्योग्राफिकल हिंड्रेंस, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे सबसे बड़ी बाधा क्या थी, रास्ता स्ट्रेच जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के गुजरता था जिसे चिकन नेक कहा जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, बहुत ही पतला सा स्ट्रेच है जहां से ये पूरा का पूरा ट्रेड कंटिन्यू करना था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक अल्टरनेटिव है, ऐसा अल्टरनेटिव जो कॉस्ट इफेक्टिव है। अल्टरनेटिव तो हमारे पास हवाई मार्ग भी था, लेकिन क्या हवाई मार्ग इतना इकोनॉमिकली वायबल है? प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में अगर ज्यादा कॉस्ट आएगा तो उसका जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली एंड यूजर को इनकर करना पड़ेगा, जो कस्टमर है उसको उस एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन अब एक इकोनॉमिकल, एक कन्वीनियंट तरीका जो है वो ट्रेवल का मिल गया है जिससे बिजनेसेस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और इस रीजन में ओवरऑल जो है इससे बेहतरी होगी। अगर हम इस पूरे के पूरे ट्रिप की बात करें तो यहां से नेशनल वाटरवे वन और ये नेशनल वाटरवे टू, अलाहाबाद से हल्दिया तक नेशनल वाटरवे वन है जो कि गंगा नदी से होकर के गुजरता है, और उसके बाद नेशनल वाटरवे टू है जो दुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। दो वाटरवे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो इस वाटरवे के माध्यम से पटना से ये स्ट्रेच शुरू हुआ, उसके बाद बांग्ला पटना से हल्दिया तक नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवे वन था, उसके बाद वाया बांग्लादेश जो मैंने आपको वाटर रूट बताया था वो जाकर के कनेक्ट होता है धुबरी में, फिर धुबरी से सादिया तक के स्ट्रेच में बीच में गुवाहाटी के पास पांडु आएगा जहां तक ये पूरा का पूरा वॉयज जो है वो रहने वाला है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट है। नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट क्या है, आसान भाषा में हमने आपको मैंने बता दिया कि जिस तरीके से हम समुद्र के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं उसी तरीके से देश की मेन लैंड के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन और बल्क कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उस पूरे के पूरे नेटवर्क को नेशनल वाटरवे कहा गया है। इसमें नदियां हैं, कैनाल्स हैं, बैक वाटर्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट किया गया है, विच कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ रोड, रेल और इवन एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इन सभी के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। इस वजह से एक ऑल्टरनेटिव जो है उसके रूप में नेशनल वाटरवेज को इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा सिंपल सा इसमें रीजनिंग जो है वो यूज की गई है कि अगर ग्लोबली ट्रेड समुद्र के माध्यम से हो सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे मेरिट्स हैं, कॉस्ट कम है, कन्वीनियंट है,
वही चीज को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे पास मेनलैंड में समुद्र तो है नहीं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी काफी बड़ी नदियां मौजूद हैं जो इन वेसल्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम में आ सकती हैं। और उसी उद्देश्य के साथ ये नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था कि जितने भी लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं, जो शिपिंग करते हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रेवल मिले। नॉर्मली जो मोड ऑफ ट्रेवल एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इस्तेमाल होता था, उसी को अब इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए भी इस्तेमाल किया जाए, जहां जहां पर पॉसिबल है इनलैंड वाटरवेज की मदद से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाए। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर तो ठीक है कि नेशनल वाटरवे वन था और पास में नेशनल वाटरवे टू था, और को इंसिडेंटली हमारा जो सफर था वो यहां से नेशनल वाटरवे वन से होकर के नेशनल वाटरवे टू तक जाता था, लेकिन क्या देश भर में ऐसा करना पॉसिबल है? उसके लिए सरकार ने अलग अलग वाटरवेज जो है वो आइडेंटिफाई करे हैं। करीब 4,503 किलोमीटर के मेजर वाटरवेज जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लंबा है नेशनल वाटरवे वन, गंगा नदी पर हल्दिया टू अलाहाबाद। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन एरियाज को कवर करता है। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नेशनल वाटरवे वन अलाहाबाद टू हल्दिया, ये नेशनल वाटरवे वन है और इसी के थ्रू ये हमारा वॉयज हुआ। ये वॉयज कहाँ कनेक्ट हुआ? दुबरी से लेकर के सादिया तक, ये है नेशनल वाटरवे टू। 891 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। उसके बाद नेशनल वाटरवे थ्री, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल है, कोलम टू कोटापुरम, केरला के अंदर कोटापुरम से कोलम या कोलम से कोटापुरम के लिए ये स्ट्रेच जो है ये वेस्ट कोस्ट कैनाल में नेशनल वाटरवे थ्री है। नेशनल वाटरवे फोर है गोदावरी कृष्णा एंड उनके साथ की जो एसोसिएटेड कैनाल्स है, ये काकीनाडा से पुडुचेरी का सफर तय करेगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन तीनों एरियाज को कनेक्ट करते हुए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इन पे नेशनल वाटरवे फोर बनाया गया है। वैसे ही नेशनल वाटरवे फाइव है जो ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल से होकर के गुजरता है यहां से। इसके बाद नेशनल वाटरवे सिक्स है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, असम, मणिपुर, त्रिपुरा में 121 किलोमीटर का है, जो कि बैराक नदी के ऊपर बना है। यानी कि अभी तक अगर ये वॉयज हमारा यहां गुवाहाटी पांडू पे पहुंचता है, उसके बाद इसको कनेक्ट किया जा सकता है नेशनल वाटरवे सिक्स के साथ में। यहां से इस तरीके के प्रोग्राम से, जो कि पहला सफर हमने देखा, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को। पूर्वोत्तर का जो इलाका है उसको इससे काफी ज्यादा मदद जो है वो मिलने वाली थी, क्योंकि एरिया जो है उसको एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रेवल जो है वो मिल गया था। इसको सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, क्योंकि एक वेसल में बहुत सारा कार्गो जो है, बहुत सारा सामान जो है उसको ले जाया जा सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है अगर इसी कार्गो को बाय रोड जो है वो ट्रांसपोर्ट करना हो तो फ्यूल जो कंजम्पशन है वो इससे 4 या 5 टाइम्स हो, क्योंकि उसके लिए हमको बहुत सारे व्हीकल्स हायर करने पड़ेंगे। आप ट्रक के माध्यम से ले जा सकते हैं, तो उसके लिए फ्यूल जो है वो शायद 4 to 5 टाइम्स यूज करना पड़े, क्योंकि एक ट्रक में लोडिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। लेकिन अब शिप्स के माध्यम से हम ज्यादा कार्गो को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है। प्लस CO2 एमिशन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है इस तरीके के कंटेनर वेसल्स में एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगेन सेम चीज है, एक कार्गो जितना सामान ले जाता है, अगर उसके लिए हमको 10 ट्रक्स की जरूरत पड़ रही है, तो एमिशन जो है वो 10 ट्रक्स का होगा, फ्यूल कंजम्पशन जो है वो 10 ट्रक्स की होगी। तो ये एक बड़ा बूस्ट हो सकता है, कि एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है जब हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तो बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ टूरिज्म को, क्योंकि हमको भी इच्छा जागेगी कि यार समुद्र के अंदर तो सफर अगर आपने किया है, लेकिन अगर हम अपने शहर से, मान लीजिए जिस तरीके से किसी को घूमने जाना है, तो वो चाहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में घूमने जाना, तो उनके पास ये ऑल्टरनेटिव मीडियम मौजूद है। अब वो वहां पर इस रूट के ऊपर कार्गो शिप्स के साथ में इस तरीके के पैसेंजर शिप्स जो है वो चलाए जा सकते हैं, जो कि लोगों को एक राज्य से दूसरे शहर में लेके जाएंगे, तो टूरिज्म को इससे बूस्ट मिलेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहतर होगी, सामान को पोर्ट से अंदरूनी इलाकों में, हिंटरलैंड में, भीतरी इलाकों में ले जाने में मदद मिलेगी। इट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू रिमोट एरियाज एंड द रूट्स लेस कंजस्टेड एज कंपेयर टू रोड्स। अनडाउटेडली अगर आप वाटर मार्ग से जा रहे हैं, जल मार्ग से जा रहे हैं, तो हाईवे के कंपैरिजन में तो रोड जो है वो, रूट जो है वो इतना ज्यादा कंजेस्टेड नहीं होगा। हाईवे पे ट्रैफिक जाम की समस्या है, बस नदी के अंदर थोड़ी ना आपको इतने शिप्स मिल जाएंगे कि नदी के अंदर जाम की समस्या आ रही है, तो लेस कंजेस्टेड है और ऐसे एरियाज को कनेक्ट करता है जो काफी रिमोट लोकेशंस पे हैं।
एंशियंट टाइम्स की अगर हम बात करें तो लोग ट्रेवल करने के लिए इस तरीके से नदियों का सहारा लेते थे, उसी को यहां पर हम दोबारा से नए तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स अब कोयला, फूड ग्रेन्स, ये सारी के सारी अपनी जरूरतें जो है वो इस तरीके के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से पूरी कर सकते थे, यानी कि ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो अब नॉर्थ ईस्ट को बूस्ट जो है वो कर सकता था। प्लस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आगे की ओर जो कंट्रीज हैं उनके साथ में कनेक्ट जो है वो बेहतर हो सकता था। अगर हम उन कंट्रीज के साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं तो अब जल मार्ग से हम कार्गो जो है उसको उन कंट्रीज के बॉर्डर्स तक पहुंचा सकते थे, जिससे जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बढ़ावा मिलने वाला था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो दरअसल 1991 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी का अर्थ क्या था, अगर हम मैप के माध्यम से देखें भारत के ईस्टर्न रीजन में जो कंट्रीज आती हैं, चाहे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस आदि हैं, ये सारी के सारी कंट्रीज के साथ में हम अपने संबंध बेहतर बनाना चाहते थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कैसे हम अपने संबंध बेहतर बना सकते थे, इस दिशा में काम करने को लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया था 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। इसको एक स्टेप आगे ले जाया गया 2014 में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल करके बना दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ देखने से संबंध बेहतर नहीं होंगे, हमें कुछ कदम उठाने होंगे। अब किसी भी देश के साथ में संबंध बेहतर बनाने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है ट्रेड। अगर किसी देश के साथ में हमारा काफी अच्छा ट्रेड होता है तो एक इंटरडिपेंडेंस दोनों देशों में क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से संबंध ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। कोई भी देश जो है वो इस किसी ऐसे देश के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता जिनसे उसके ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ता हो। तो ट्रेड इन कंट्रीज के साथ हो सकता है कन्वीनियंट वे से, इजिएस्ट वे से, अगर इन कंट्रीज के साथ में सटे हुए हमारे स्टेट से हम ट्रेड जो है वो करें, क्योंकि ये सारा का सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहां से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आगे ट्रेड करना इजी था विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और नॉर्थ ईस्ट तक अपने कॉमोडिटीज को पहुंचाना अभी तक के लिए टास्क था, क्योंकि एकमात्र रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर था। लेकिन अब क्योंकि ऑल्टरनेटिव मीडियम हमारे पास है, हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक इजिली इन इनलैंड वाटरवे से कार्गो ला सकते हैं और उसको इजिली यहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको काफी ज्यादा बल मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जब पहली बार इनलैंड वाटरवे के माध्यम से गंगा नदी को पार करके बांग्लादेश से होकर के ब्रह्मपुत्रा नदी पे नेशनल वाटरवे 2 पे एक कार्गो शिप जो है वो पहुंचेगा, तो इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो एसोसिएटेड होंगी। उन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं डेफिनेटली यूज करें ये कोड SHUBH33, इसकी मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो सभी कोर्सेज पे मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।